हे गाइस वेलकम टू ट्विंटर वो आज के टाइम में हर कोई एक एसयूवी खरीदना चाहता है क्योंकि एसयूवी के साथ हमें बड़ी रोड प्रेजेंस लेटेस्ट फीचर्स पावरफुल इंजन और ऑफ कैपेबिलिटी भी मिलती है इसलिए आज की वीडियो में मैं आप सबको 19 ऐसी एस कार्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हमें साल 2024 से लेके 2025 में देखने के लिए मिल सकती हैं इस वीडियो के अंदर मैं इन कार्स के प्राइस इंजन स्पेसिफिकेशंस डिज़ाइन फीचर्स कॉम्पिटिशन और लॉन्च डेट के बारे में बताऊंगा सो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट सबसे पहले यानी कि नंबर पे है महिंद्राक्सॉक्स 15 अगस्त को अनवील कर दी जाएगी और इस गाड़ी का प्राइस हमें 16 लाख ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिल सकता है जिसमें थार रॉक्स के अंदर दो इंजन ऑप्शन रहेंगे पहला टू लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और दूसरा टू पॉइंट टू लीटर एम हॉक टर्बोडीज में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन रहेंगे वहीं थार रॉक्स रियर व्हील ड्राइव और फोर बाय फोर दोनों कॉन्फिग्रेशन में आएगी थार रॉक्स के फ्रंट के अंदर हमें नई सिक्स स्लैड ग्रिल सी शेप एल ई डी लाइट्स एल ई डी डी आर एल्स के साथ नए डिजाइन के एलो व्हील भी दिए जाएंगे और इस गाड़ी की टेल लाइट को भी अपडेट किया जाएगा थार रॉक्स के इंटीरियर के अंदर हमें स्कॉर्पियो एन से इंस्पायर्ड स्टेयरिंग व्हील 10.25 पॉइंट की फ्लोटिंग इन्फोटेनमेंट पैनारोमिक सनरूफ वेंटिलेटेड सीट्स रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स चार्जिंग पॉइंट्स ऑटो डिमिंग आई आर डिग्री कैमराज और एडास जैसे काफ़ी ज्यादा लेटेस्ट और ट्रेंडिंग फीचर्स दिए जाएंगे थार रॉक्स इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी फोर्स गुरखा फाइव डोर से वहीं इस गाड़ी की लॉन्च डेट 15 अगस्त की रहने वाली है नंबर टू पे है टाटा पंच फेसलिफ्ट। पंच फेसलिफ्ट को कई बार टेस्टिंग करते हुए देखा गया है और इस गाड़ी का प्राइस हमें सिक्स लैक्स ,00 से लेके इलेवन लैक्स तक का देखने के लिए मिल जाएगा फेसलिफ्ट के साथ टाटा पंच के एक्सटीरियर को रीडिजाइन करा जाएगा जिसमें इस गाड़ी का एक्सटीरियर पंच ईवी जैसा रहने वाला है इंटीरियर के अंदर हमें नया टू स्पोक स्टीरिंग व्हील डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टच बेस ए कंट्रोल टेन पॉइंट टू फाइव इंचज की फ्लोटिंग इन्फोटेनमेंट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वायरलेस चार्जर और सनरूफ जैसे फीचर्स टाटा पंच फेसलिफ्ट के अंदर रहेंगे इस गाड़ी के इंजन को कंटिन्यू करा जाएगा यानी कि वन लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जिसके साथ हमें सी भी ऑफर करी जाती है टाटा पंच फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी हुडाई एक्सटर सिट्रॉन सी थ्री और इग्निस जैसी कार्स से वहीं इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट नवंबर तक की रहने वाली है नंबर थ्री पे है निशान जूक एक्सटेल के बाद अब निशान जूक हमें इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलेगी और इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस नाइन लैख से लेकर हमें दो इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे पहला वन लीटर थ्री सिलेंडर डी आई जी टी टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 115 bhp के साथ 200 हंड्रेड न्यूटन मीटर का टॉक निकालेगा दूसरा 1.6 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो कि पावरफुल होने के साथ काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट रहेगा निशान जूग के अंदर मैनुअल के साथ सेवन स्पीड डी सी टी रहेगा पैडल शिफ्टर्स के साथ में इस गाड़ी का एक्सटीरियर काफी ज़्यादा फंकी और स्पोर्टी डिजाइन के साथ में आता है वही स्पोर्टीनेस इसके इंटीरियर में भी दिखती है और इंटीरियर के अंदर हमें 12.3 पॉइंट इंचज की इन्फोटेनमेंट बोस का स्पीकर सिस्टम डिजिटल क्लस्टर और एडास जैसे कई सारे फीचर्स जूग के अंदर आते हैं ये गाड़ी इंडिया के अंदर सभी कॉम्पैक्ट एस से कॉम्पीट करेगी वहीं इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अक्टूबर तक की रहने वाली है नंबर पे है किया किया ग्रैंड ग्रैंड कार्निवल कार्निवल को 2023 के ऑटो एक्सपो के अंदर दिखाया गया था के ए फोर के नाम से इस गाड़ी का प्राइस हमें थर्टी लैक्स ,00 से लेके फोर्टी लैक्स ,00 तक का देखने के लिए मिल सकता है वहीं ग्रैंड कार्निवल के अंदर कई सारे डिजाइन चेंजेस करे गए हैं ये गाड़ी पहले से ज्यादा शार्प और फ्यूचरिस्टिक बनाई गई है वहीं इंटीरियर के अंदर भी हमें नई अपॉलस्ट्री नए, नए डैशबोर्ड के साथ ट्रिपल जोन एसी, डुअल सनरूफ स्लाइडिंग डोर्स डिजिटल क्लस्टर बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस एप्पल कारप्ले ऑटोडिमिंग आई आर वी एम ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल क्रूज कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट वेंटिलेटेड सीट्स और एडास जैसे कई सारे लेटेस्ट और प्रीमियम फीचर्स हमें ग्रैंड कार्निवल के अंदर दिए जाते हैं वहीं इस गाड़ी के अंदर हमें किया का 2.2 लीटर फोर सिलेंडर डीजल इंजन ऑफर करा जाएगा जो कि सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आता है किया ग्रैंड कार्निवल इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी टोयोटा टोयटा इनोवाईक्रॉस और मारुति सुजुकी इनविक्टो से वहीं इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट दिसंबर तक की रहने वाली है नंबर फाइव पे है टाटा नेक्सॉन सी एन जी नेक्सॉन सी एन जी का प्राइस हमें थर्टीन लैख ट्वेंटी थाउजेंड तक का देखने के लिए मिल सकता है नेक्सॉन सी एन जी के अंदर वन पॉइंट टू लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में सी आएगी वहीं इस गाड़ी के अंदर ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी रहने वाली है जिसमें कि हमें चेसी के अंदर थर्टी लीटर्स के दो सिलेंडर इंटीग्रेट करके दिए जाएंगे यानी कि हमें पूरा पूरा बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा वहीं नेक्सॉन सी के अंदर आई सी टेक्नोलॉजी भी रहेगी जिसमें हम पेट्रोल और सी पे ऑटोमेटिक स्विचिंग के साथ डायरेक्ट सी के ऊपर इंजन स्टार्ट भी कर पाएंगे नेक्सॉन सी के अंदर हमें

नई ग्रिल अपडेटेड लाइटिंग सेटअप फ्रेश डायमंड कट व्हील्स और रियर भी रीडिजाइन करा जाएगा इंटीरियर के अंदर लेदर अपॉल्ट्री रहेगी वहीं एलकजार फेसलिफ्ट के अंदर हमें 10.25 इंचेस की इंफोटेनमेंट वेंटिलेटेड सीट्स डुअल जोन एसी, सी सनरूफ 64 कलर एम्बियट लाइट 360 डिग्री कैमरास और एडास जैसे फीचर्स दिए जाएंगे इस गाड़ी के अंदर इंजनस को कंटिन्यू करा जाएगा यानी कि 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी एम जी हेक्टर प्लस और एक्स यू सेवन हंड्रेड जैसी कार्स से वहीं इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट सेप्टेम्बर तक की रहने वाली है नंबर सेवन पे है रेनॉल्ड डासिया डस्टर डासिया डस्टर का प्राइस हमें नाइन फिफ्टी थाउजेंड से लेके फोर्टीन फिफ्टी थाउजेंड तक का देखने के लिए मिल सकता है इस गाड़ी के अंदर हमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो कि 154 फिफ्टी के साथ 250 फिफ्टी न्यूटन मीटर का कारॉक डिलीवर करेगा ट्रांसमिशन ऑप्शंस में सिक्स स्पीड मैनुअल और सिक्स स्पीड डीसीटी सी गेयरबॉक्स रहने वाला है रेनो डासिया डस्टर को सी एम प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाएगा और डिजाइन वाइज भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाली है इंटीरियर के अंदर हमें क्लाइमेट कंट्रोल क्रूज कंट्रोल कीलेस एंट्री पुश बटन स्टार्ट स्टॉप डिजिटल क्लस्टर बड़ी इन्फोटेनमेंट स्क्रीन थ्री सिक्सटी डिग्री कैमराज और एडास जैसे फीचर्स डासिया डस्टर के अंदर दिए जाएंगे वहीं इस गाड़ी के अंदर फोर बाय फोर भी रहने वाला है रेनो डासिया डस्टर इंडियन मार्केट में कंपटीशन रखेगी क्रेटा और सेल्टॉस जैसी मिड साइज एस यू कार्स से वहीं इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2025 के जून तक की रहने वाली है नंबर एट पे है एम जी ग्लॉस्टर फेसलिफ्ट ग्लॉस्टर फेसलिफ्ट को कई बार टेस्टिंग करते हुए देखा गया है और फेसलिफ्ट के साथ ग्लास्टर के प्राइस में हमें थर्टी फाइव थाउजेंड से लेके वन लैक थर्टी थाउजेंड तक का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल सकता है हालांकि फेसलिफ्ट के साथ ग्लास्टर के अंदर हमें फ्रंट में नई ग्रिल वर्टिकल लाइट्स वर्टिकल डी अपडेटेड बम्पर साइड प्रोफाइल में नए एलो व्हील और रियर के अंदर कनेक्टिंग टेल लाइट दी जाएगी इंटीरियर में नए डैशबोर्ड के साथ नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल क्लस्टर रहने वाला है बाकी ग्लोस्टर के अंदर हमें पहले से ही सभी तरह के फीचर्स दिए जाते हैं इस गाड़ी के इंजनस को कंटिन्यू करा जाएगा यानी कि टू लीटर टर्बो डीजल इंजन और टू लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शन में एट स्पीड टॉक कन्वर्टर रहने वाला है एम जी ग्लास्टर फेस लिफ्ट इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी टोयोटा फॉर्चूनर और जीप मेरिडियन जैसी कार्स से वहीं इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2024 के नवंबर तक की रहने वाली है नंबर नाइन और नंबर टेन पे है टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल हैरियर और सफारी पेट्रोल का प्राइस हमें एक लाख तक सस्ता देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि इन दोनों कार्स के अंदर हमें नया वन पॉइंट फाइव लीटर फोर सिलेंडर टी जी डी आई टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर करा जाएगा ये इंजन वन सेवनटी पी एस की पावर और टू एटी न्यूटन मीटर का टॉक डिलीवर करने वाला है वहीं हैरियर और सफारी पेट्रोल के अंदर हमें मैनुअल के साथ सेवन स्पीड डी सी ए गेयरबॉक्स भी दिया जाएगा इन दोनों कार्स के अंदर हमें नए कलर ऑप्शन भी देखने के लिए मिल सकते हैं बाकी हैरियर और सफारी के अंदर सब कुछ सेम ही रहने वाला है जैसा कि अभी हमें देखने के लिए मिल जाता है हैरियर और सफारी पेट्रोल इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेंगे एम जी हेक्टर एक्स यूवी सेवन हंड्रेड और स्कॉर्पियो एन जैसी कार्स से वहीं इन दोनों कार्स की, की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2025 के अप्रैल से लेके जून तक की रहने वाली है नंबर 11 पे है निशान मैगनाइट फेस लिफ्ट मैगनाइट का प्राइस हमें सिक्स लैक सेवन थाउजेंड से लेकर थर्टीन लैक्स तक का देखने के लिए मिल सकता है फेसलिफ्ट के साथ मैगनाइट के अंदर बिल्कुल नया एक्सटीरियर रहेगा जिसमें फ्रंट के अंदर हमें डी आर एल्स एल ई डी लाइट्स फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और कैमरा भी देखने के लिए मिल जाएगा साइड प्रोफाइल में नए व्हील्स के साथ रियर में डिफ्यूजर बेस्ड एल ई डी टेल लाइट्स रहने वाली हैं मैगनाइट फेस के साथ इंटीरियर में हमें अपडेटेड अपॉल्सरी दी जाएगी जिसके साथ डिजिटल क्लस्टर फ्लोटिंग इन्फोटेनमेंट ऑटोडिमिंग आई आर वी एम सनरूफ ट्रैक्शन कंट्रोल ड्राइविंग मोड्स और थ्री सिक्सटी डिग्री कैमराज जैसे कई सारे नए फीचर्स मैगनाइट के अंदर इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे मैगनाइट फेसलिफ्ट के अंदर इंजन को कंटिन्यू करा जाएगा यानी कि वन लीटर थ्री सिलेंडर नेचुरली एक्सपरेटेड पेट्रोल इंजन और वन लीटर थ्री सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शंस में मैनुअल और एक्सट्रोनिक सीवीटी गेयरबॉक्स रहेगा निशान मैग्नाइट फेसलिफ्ट की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट रहने वाली है, 12 पे है फेसलिफ्ट। मिल सकता है इस गाड़ी के अंदर दो इंजन ऑप्शन आएंगे पहला वन पॉइंट फाइव लीटर फोर सिलेंडर आई बी टेक पेट्रोल इंजन और दूसरा वन लीटर थ्री सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शन में सिक्स स्पीड मैनुअल और सीबीटी बी टी रहने वाला है डिजाइन के मामले में डब्ल्यू आर वी फेस लिफ्ट काफ़ी ज़्यादा अपराइट और बॉक्सी डिजाइन के साथ में आएगी इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर भी हमें क्लाइमेट कंट्रोल क्रूज कंट्रोल कीलेस एंट्री पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और एडास जैसे फीचर्स दिए जाएंगे होंडा डब्ल्यू आर वी फेस लिफ्ट इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी हंडईवन्यू टाटा नैक्सॉन एक्स यूवी थ्री एक्सो और ब्रेजा जैसी सब कॉम्पैक्ट एस से वहीं इस गाड़ी की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2025 के मार्च तक की रहने वाली है नंबर थर्टीन पे है टाटा सियारा टाटा सियारा को भी 2023 के ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था और यह गाड़ी ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रेडी थी इसका एक्सपेक्टेड प्राइस हमें 25 फाइव लैक्स से लेके 35 फाइव लैक्स तक का देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि सियारा के अंदर हमें पेट्रोल और ईवी दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे पेट्रोल में सियारा के अंदर 1.5 लीटर फोर सिलेंडर टी टर्बो पेट्रोल इंजन आएगा जो कि 170 सेवेंटी के साथ टू एटी न्यूटन मीटर का टॉक डिलीवर करेगा ट्रांसमिशन ऑप्शन में मैनुअल और डी सी गेयरबॉक्स रहने वाला है ई में सियारा के अंदर हमें 60 से लेके 70 किलोवाट वॉट आवर तक का बैटरी पैक देखने के लिए मिल सकता है जो कि एक सिंगल फुल चार्ज के अंदर हमें 500 से लेके 600 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करेगा टाटा सियारा के अंदर ऑल व्हील ड्राइव भी रहेगा वहीं ये गाड़ी सिग्मा ईवी आर्किटेक्चर के ऊपर बनाई जाएगी डिज़ाइन वाइज टाटा सियारा डिफेंडर से काफी ज़्यादा इंस्पायर्ड रहने वाली है वहीं इसके इंटीरियर के अंदर भी हमें सभी तरह के लेटेस्ट और प्रीमियम फीचर्स ऑफर करे जाएंगे टाटा सियारा की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2025 के अगस्त तक की रहने वाली है नंबर 14 पे है निशान कैशकाई निशान कैशकाई का प्राइस हमें ट्वेंटी फाइव लैक्स के आसपास का देखने के लिए मिल सकता है इस गाड़ी के अंदर हमें दो इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे पहला वन पॉइंट थ्री लीटर टर्बोचार्ज माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और दूसरा वन पॉइंट फाइव लीटर टर्बोचार्ज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शन में सी गियरबॉक्स रहेगा पैडल शिफ्टर्स के साथ में डिजाइन के मामले में निशान कैश काफी ज्यादा शार्प और अट्रैक्टिव रहने वाली है वहीं इस गाड़ी के अंदर हमें फ्रंट सीट्स के अंदर मसाजर ऑप्शन वी मोशन ग्रिल मैट्रिक्स स्लाइट्स प्रीमियम साउंड सिस्टम डिजिटल क्लस्टर बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस एप्पल कारप्ले वेंटिलेटेड सीट्स एडास जैसे कई सारे फीचर्स कैशकाई के अंदर रहेंगे ये गाड़ी इंडिया के अंदर कॉम्पीट करेगी फॉक्सैगन टिगवान सीट्रॉन सी फाइव एयरक्रॉस और हुडाई ट्यूसोन जैसी कार्स से वहीं निशान कैशकाई की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2025 के मार्च तक की रहने वाली है नंबर 15 पे है्यून्डाई ट्यूसो फेस लिफ्ट ट्यूसो फेस का प्राइस हमें ट्वेंटी नाइन ,00 से लेके थर्टी सिक्स ,00 तक का देखने के लिए मिल सकता है फेस के साथ ह्यूंडाई ट्यूसों के एक्सटीरियर में हमें रीडिजाइन पैरामेट्रिक ग्रेल अपडेटेड फ्रंट और रियर बम्पर और नए डिजाइन के व्हील दिए जाएंगे इंटीरियर के अंदर डैशबोर्ड को रीडिजाइन करा जाएगा साथ ही में हमें नया थ्री स्पोक स्टेरिंग व्हील और 12.3 पॉइंट थ्री की डुअल डिजिटल डिस्प्ले दी जाएंगी जिसके अंदर क्लस्टर और इन्फोटेनमेंट रहने वाली है ट्यूसो फेसलिफ्ट के अंदर इंजन को कंटिन्यू करा जाएगा यानी कि टू लीटर पेट्रोल इंजन और टू लीटर डीजल इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शन में सिक्स स्पीड मैनुअल और सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स रहने वाला है हंडाई ट्यूसो फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी सीट्रॉन सी फाइव एयरक्रॉस फॉक्स टिगवान और शकॉडा कोडियक्स जैसी कार्स से वहीं इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2024 के नवंबर तक की रहने वाली है नंबर 16 पे है किया स्पोर्टेज किया स्पोर्टेज का प्राइस हमें 25 फाइव लैक ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिल सकता है स्पोर्टेज हिंडसों की डायरेक्ट ड्राइवल रहेगी और इस गाड़ी के अंदर हमें टू लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ वन लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑफर करा जाएगा ट्रांसमिशन ऑप्शंस में एट स्पीड टॉक कन्वर्टर और सेवन स्पीड डी गियरबॉक्स रहेगा पेडल शिफ्टर्स के साथ में किया स्पोर्टेज के अंदर ऑल व्हील ड्राइव भी रहने वाला है डिजाइन वाइज व्हीलोटेज काफी ज्यादा डोमिनेटिंग और अग्रेसिव डिजाइन के साथ में आती है इस गाड़ी के इंटीरियर में हमें सभी तरह के लेटेस्ट और प्रीमियम फीचर्स ऑफर करे जाते हैं और हम सब जानते हैं किया की कार्स के अंदर लगभग हर तरह का फीचर आता है किया स्पोर्टेज इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी एम जी हेक्टर हुडाई ट्यूसोन सिट्रॉन सी फाइव एयरक्रॉस फॉक्स वेगन टिगवान जैसी कार से वहीं इस गाड़ी की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2025 के दिसंबर तक की रहने वाली है नंबर 17 पे है हुंडई हुंडई का प्राइस हमें 40 लाख से लेके 50 लाख तक का देखने के लिए मिल सकता है इंडिया में पैलीसेड के अंदर हमें 2.2 लीटर फोर सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन ऑफर करा जा सकता है जो कि 194 नाइनटी के साथ फोर ट्वेंटी न्यूटन मीटर का टॉक डिलीवर करेगा ट्रांसमिशन में हमें सिर्फ ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया जाएगा वहीं हुडई पैलीसेड के अंदर ऑल व्हील ड्राइव भी रहने वाला है एक्सटीरियर डिजाइन वाइज हुंडई पैलीसेड काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग और जबरदस्त रोड प्रेजेंस के साथ में आएगी इंटीरियर में इस गाड़ी के अंदर हमें प्रीमियम अपॉच्री के साथ ट्रिपल जोन ए सी डूल सनरूफ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक पुश बटन स्टार्ट स्टॉप कीलेस एंट्री डिजिटल क्लस्टर बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन वेंटिलेटेड सीट्स और भी कई सारे फीचर्स पैलीसेड के अंदर रहेंगे ये गाड़ी इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस मारुति सुजुकी इनविक्टो और किया कार्निवल जैसी कार्स से वहीं इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2025 के जुलाई तक की रहने वाली है नंबर एटीन पे है टाटा हैरियर ईवी। हैरियर ईवी का प्राइस हमें 30 लाख ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिल सकता है इस गाड़ी के अंदर हमें 60 से लेके सेवेंटी किलो वॉट आवर तक का बैटरी पैक ऑफर करा जाएगा डुअल मोटर सेटअप के साथ में एक सिंगल फुल चार्ज के अंदर हमें ये बैटरी पैक 500 से लेके 600 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करने वाला है हैरियर ईवी के अंदर ऑल व्हील ड्राइव भी रहेगा यानी कि यह गाड़ी ऑफ रोडिंग केपेबल रहने वाली है टाटा हैरियर ई को जेन टू ई आर्किटेक्चर के ऊपर बनाया जाएगा और डिजाइन वाइज ये गाड़ी पहले से ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और ईवी ओरिएंटेड रहने वाली है इंटीरियर के अंदर हमें डुअल जोन अपॉजिटी दी जाएगी साथ ही में हमें फुली डिजिटल क्लस्टर 10.25 पॉइंट की इंफोटेनमेंट और एडास जैसे सभी तरह के लेटेस्ट और ट्रेंडिंग फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे टाटा हैरियर ई की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट ट्वेंटी के मार्च तक की रहने वाली है आगे बढ़ जाते हैं इस लिस्ट के लास्ट एस की तरफ यानी कि नंबर 19 पे है किया ई वी नाइन किया ई वी नाइन किया की फ्लैगशिप ई वी वी रहेगी जिसका प्राइस हमें एटी लैक्स के आसपास का देखने के लिए मिल सकता है इस गाड़ी के अंदर हमें दो बैटरी पैक ऑफर करे जाएंगे पहला 76.1 किलोवाट आवर जो कि रियर व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आएगा ये बैटरी पैक एक सिंगल फुल चार्ज के अंदर हमें 358 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करने वाला है दूसरा 99.8 किलोवाट आवर जो कि ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आएगा ये बैटरी पैक सिंगल फुल चार्ज के अंदर हमें 482 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करने वाला है किया ई वी की मोटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और टॉर्की रहेगी वहीं डिज़ाइन के मामले में ई वी काफ़ी ज़्यादा एरोडाइनमिक और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ में आएगी क्योंकि ई वी एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट रहने वाला है तो इसके इंटीरियर में हम सभी तरह के लग्जरी और टॉप नॉच फीचर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं किया ई वी की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2024 के दिसंबर तक की रहने वाली है तो गाइज यही थी नाइनटीन अपकमिंग एस कार्स जो कि हमें साल दो और दो में देखने के लिए मिल सकती हैं इनमें से किस कार का आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार है कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लोग चाहो मैं किसी पर्टिकुलर कार या फिर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही आई होप सो so, ये वीडियो आप सबको पसंद जरूर आई होगी अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई तो एक लाइक कर देना और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर